दोस्तों एम जी मोटर्स ये दावा करती है कि एम जी हेक्टर देश की पहली इंटरनेट कार है। एम जी मतलब मॉरिस गराज ये कंपनी का नाम है और ये दावा कितना सही है आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिग्विजय और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब टेक्नो। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। आइए इस दावे की पड़ताल करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए YouTube टेक्नो को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अगर हम MG मोटर्स की जो गाड़ी है MG हेक्टर की बात करते हैं तो ये काफी बॉक्सी है। यूजुअली एक ऐसी SUV है, एक बॉक्सी, जिसको आमतौर पर SUV नाम आते ही सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि काफी बोल्ड होनी चाहिए, बॉक्सी होनी चाहिए। तो ये इस हिसाब से बिल्कुल पहली पसंद बनने वाली है क्योंकि ये काफी बॉक्सी है, बहुत बड़ी और काफी यूनिक और डिफरेंट लगती है। इसका आगे का ग्रिल भी इसको बिल्कुल डिफरेंट बनाता है। देखा जाए तो डिजाइन बहुत अपीलिंग है। इसका सीधा सीधा मुकाबला जो है वो है आपकी टाटा हैरियर से और जीप की कंपास से। अगर बात करें कि क्या इसके आने के बाद इन दोनों गाड़ियों की सेल पर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है तो बिल्कुल 100% दोस्तों इसकी सेल पर इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि ये एक इंटरनेट कार है और वो नॉर्मल कार्स हैं और बहुत सारी चीजें और भी हैं। जैसे अभी एक्सपर्ट्स ने बताया तो जिसका इंटीरियर है वो ब्लैक कलर का होगा या ब्लैक के साथ में बेज कलर का कॉम्बिनेशन इस गाड़ी के अंदर आ सकता है इंटीरियर की बात करते हैं तो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता क्या क्या है। दोस्तों लिस्ट काफी बड़ी है और अब मैं आपको उस लिस्ट के बारे में बता देता हूं। इसमें आपको मिलते हैं सबसे पहले, जो शुरुआत से अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपको मिलते हैं पावर एडजस्टेबल सीट्स, पुश बटन स्टार्ट, कीलेस एंट्री आपको मिलेगी, LED लाइट्स आपको मिलेगी, क्रूज कंट्रोल होगा, डे लाइट रनिंग लैंप्स होंगे, इंडिकेटर भी इसके जो होंगे वो LED ही आपको मिलने वाले हैं। ये बहुत हद तक आपको OD की याद दिलाएगा, इंडिकेटर कुछ इस तरीके से इसके जो LED हैं वो बनाए गए हैं। साथ के साथ में LED टेल लैंप होंगे, साथ में आपको सेफ्टी में इसके टॉप मॉडल में 6 एयरबैग्स होंगे और बेसिक मॉडल में आपको 2 एयरबैग्स इसको फ्रंट में मिलेंगे। अदर सेफ्टी फीचर्स में ABS, EBD, बैक सेंसर्स, ये सारी चीजें आपको मिलती ही हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड हो चुकी हैं। साथ में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स मिलेंगे आपको, साथ में सनरूफ मिलता है, 360 कैमरा मिलेगा जो कि बिल्कुल ही यूनिक है, अभी तक किसी गाड़ी में नहीं दिया गया है। लेदर सीट्स आपको इसके सभी वेरिएंट में मिल जाएगी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको होगा जिसको आप अपने डिवाइस से भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ में आपको रियल टाइम नेविगेशन भी यहां पर मिलता है। बट दिस इज नॉट द इंटरेस्टिंग पार्ट, इंटरेस्टिंग पार्ट इज इसकी टेक्नोलॉजी। इस गाड़ी की जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल यूनिक है, जो इसको सभी गाड़ियों से बिल्कुल ही अलग बना देती है। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलेंगे क्योंकि एक इंटरनेट कार है, कनेक्टेड कार है और हर वक्त 24 घंटे आपके साथ कनेक्ट रहती है। अब ये कनेक्ट कैसे रहती है इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसके बाकी के फीचर्स के बारे में। दोस्तों इसको इंटरनेट कार क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप 24 घंटे इस गाड़ी के साथ कनेक्ट रहेंगे। जो मैंने पहले भी बताया, इस कार में आपको एक M2M सिम मिलेगा। M2M यानी कि मशीन टू मशीन जो है वो आपको सिम मिलेगा जो 4G सपोर्ट है। ये सिम आपको 5G रेडी मिलता है, यानी कि जब 5G आएगा तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। ये एयरटेल का सिम होता है जिसको आप कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं अपने 5G में, जैसे ही 5G इंडिया में लॉन्च होता है। अगर हम टच स्क्रीन की बात करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है 10.4 इंच का टच, जो कि वर्टिकल है यानी कि लंबाई में है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस टच में आपको गाड़ी के लगभग हर एक फीचर को यूज कर सकते हैं आप। टच से या तो वॉइस से, आप दोनों तरह से पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको आई स्मार्ट करके एक मोबाइल एप्लीकेशन भी मिलती है जिसको फोन में डायल करने के बाद या इंस्टॉल करने के बाद आप गाड़ी की हर एक चीज को एक्सेस करेंगे। साथ के साथ आप गाड़ी को अपनी वॉइस से या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कमांड दे सकते हैं। अब उस कमांड से क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप सनरूफ ओपन कर सकते हैं, कार लॉक अनलॉक कर सकते हैं, कार स्टार्ट कर सकते हैं, गाड़ी को होंक कर सकते हैं यानी कि गाड़ी का हॉर्न बजा सकते हैं, फाइंड माय कार्स कर सकते हैं, AC ऑन करना है ऑफ करना है वो कर सकते हैं, और विंडो को भी ओपन कर सकते हैं। बस आपको बोलना है हेलो MG और आपको देनी है कमांड और ये गाड़ी आपके हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देगी, यानी कि जो आप कहेंगे ये गाड़ी उस हिसाब से आपकी सारी बातें मान लेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके इंजन ऑप्शन की। यहाँ पर आपको ये पेट्रोल और डीजल दोनों में मिलने वाली है। अगर हम डीजल की बात करें तो इसका इसमें आपको मिलेगा फिएट से सोर्स 2 लीटर का इंजन।
ये वही इंजन है जो आपको जीप कंपास में भी मिलता है और ये वही इंजन है जो आपको हैरियर में भी मिलता है। मतलब ये दोनों गाड़ियों का कंपटीशन सीधे सीधे आपकी हेक्टर से होने वाला है। इसके साथ आपको मिलेगा 170 bhp और 350 न्यूटन मीटर 350 nm का टॉर्क आपको ये इंजन निकाल कर देगा, जो कि कंपास जीप कंपास है उसके बिल्कुल बराबर है। अब बात कर लेते हैं पेट्रोल वेरिएंट की। जो पेट्रोल इंजन है वो आपका 1.5 लीटर का टर्बो इंजन है, लगभग आपको 143 bhp की मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा। तो हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो पेट्रोल इंजन है वो डीजल के मुकाबले कहीं थोड़ा वीक नजर आता है, लेकिन टर्बो होने की वजह से फिर भी दूसरी गाड़ियों के मुकाबले आपको ये बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट भी मिलेगा? जी हाँ, आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट आपको डीजल और पेट्रोल दोनों ही गाड़ियों में यहाँ मिलने वाला है। दोस्तों, अगर हम इसकी लॉन्चिंग की बात करते हैं तो ये मई में लॉन्च हो सकती है। अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर डिले होता है तो ज्यादा से ज्यादा ये जून में आ जाएगी, लेकिन ये जून मई जून में ही रिलीज हो जाएगी इंडिया के अंदर। और अगर हम प्राइस की बात करें तो दोस्तों, प्राइस तो इसका अच्छा रहेगा, लेकिन दूसरी गाड़ियों के मुकाबले जो अभी हैरियर और आपकी जीप कंपास है उसके मुकाबले कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन आपको देने वाला है। जी हम बात करते हैं इसका जो वेरियंट के हिसाब से अगर इसका हम प्राइस लगा के चले तो ये करीबन 15 लाख से शुरू होकर तकरीबन 20-21 लाख के आसपास तक जाने वाला है इसका टॉप मॉडल, चाहे डीजल हो या पेट्रोल, डिपेंड करता है, या शायद डीजल में ही 21 लाख के आसपास तक पहुंचने वाली है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से एमजी हेक्टर इंडियन मार्केट में आग लगा देने वाली है, क्योंकि इससे ज्यादा फीचर्स तो जो हुंडई की वेन्यू आई है उसने भी नहीं दिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि वीडियो काम आने वाली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर जरूर दबाएं, उसके बाद में आपको मेरी जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगी सबसे पहले आपकी नोटिफिकेशन बार पर दिखाई देंगी। आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।